वो दिन मनाया करते हैं जिस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करी है, जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान करने जोड़िया। उसके अलावा भी असें उनका भी नमन करना चाहिए जिन्हें सिपाहियों ते ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह की लीडरशिप च इन्ना बड़ा बलिदान दिता ते उड़ी च पाकिस्तानी इनवेडर्स की रोकी रखिया, उसने अपनी जान की कुर्बानी दी ते टाइम दिता कि हिंदुस्तान की फौज कश्मीर लैंड करिए पाकिस्तानी पुशबैक करी सके। अज साढ़े वास्ते बहुत बड़ा दिन है। लेकिन इससे करने मैं ये भी आखना चाहना कि महाराजा हरि सिंह जी की असें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने वास्ते नहीं याद करना, उन्हें 21 साल अपने राज बहुत जबरदस्त कदम उठाए, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग विजनरी ते प्रोग्रेसिव रूलर है। उन्हें जम्मू च कश्मीर च ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जेडे इंस्टीट्यूशंस आज भी इस रियासत की सर्व कराते हैं पब्लिक। इस वास्ते मैं समझना मैं बल्कि इस इवेंट के जरिए आज दे ऑर्गेनाइजर्स के जरिए मीडिया के जरिए दोबारा अपील करना, उनसे अपील असें गवर्नर साहब की करनी पौनी, ऑनरेबल गवर्नर साहब की अपील करना कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस उपर छुट्टी का ऐलान कर, जिहड़ा कि तमाम जम्मू प्रोविंस की डिमांड रही है। तो इतने मैं जम्मू के सिविल सोसायटी का भी शुक्रिया अदा करना जिन्होंने बहुत ही मच्योर सेंसिबल ते एक बड़े सीरियस तरीके कने ये इश्यूज जेड़े हैं पब्लिक के इश्यूज हैं उन्हें बार बार उठाया। देखिए अगर आज जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को जाता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महाराजा हरि सिंह जी की जो आर्मी थी उसके वो चीफ थे। चीफ होने के बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि कबायली जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो छोटी मोटी टुकड़ियां थी जे एंड के स्टेट फोर्सेस की वो उनको रोक नहीं पा रही हैं, तो वो अपने साथ उस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर में जो 100 के करीब नफरी थी उसको लेके वो उड़ी के आगे चले गए और वहाँ पर उन्होंने उनको कबायलियों को तकरीबन 48 घंटे तक रोक के रखा और उसके उनके रोकने के कारण और उसमें उस लड़ाई के अंदर उन्होंने अपनी जो जान तक कुर्बान कर दी और उस बहादुरी उनकी बहादुरी के कारण जो है तब तक भारतीय सेनाएं जो हैं वो श्रीनगर पहुंच सकी थी और कबालियों को रोकने के कामयाब हो सकी, जिससे कि जम्मू कश्मीर जो है वो कबालियों के हाथ में आने से बच गया। और बाद में किस प्रकार भारतीय सेना ने इनको पाकिस्तानी फ़ौज और कबालियों को यहाँ से खदाड़ा ये एक इतिहास है। लेकिन इस इतिहास के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कीमती रोल किसी का है तो वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का है और हर भारतीय को और हर जम्मू कश्मीर वासी को चाहिए कि वे उनकी कुर्बानी को सत सत प्रणाम करें और उसके लिए सरकार ने भारत का पहला महावीर चक्र जो है उनको दिया था और लोगों की उम्मीदें थीं कि शायद उनको परमवीर चक्र दिया जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मेरी उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी भारतीय सरकार जो है वो रियलाइज़ करे कि क्या कंट्रीब्यूशन की थी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने और उनको महावीर चक्र के बजाय परमवीर चक्र से नवाजा जाए। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे महाराजा हरि सिंह साहब ने जो रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा और उसके बाद जो बेहुरमतियाँ हुई हैं वो आज देख रहे हो आप चौड़ा और उसके बाद कईयों ने माना नहीं ये ए नहीं हुआ है ये बी हुआ है। भाई जो मालिक है जो रियासत का रूलर है वो नहीं असेशन करेगा तो करेगा कौन, ये करेंगे क्या? जो जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ना जम्मू कश्मीर बनाने में ना जम्मू कश्मीर को बचाने में ना जम्मू कश्मीर को जोड़ने में जिनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है वो लोग कहेंगे कि ये असेशन जो है ये नहीं है वो है। लाने तैन लोगों को मैं कहना चाहूँगा। नंबर दूसरा, हमें इस बात का दुख है कि देश के साथ लगने के बाद जो डोगरों का हाल हुआ है दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो डोगरा की पोजीशन हुई है आज तक 47 से आज तक जो हालात बने हैं ये हालात इतने जलील किया गया है जम्मू के डोगरों को शायद जिंदगी में कभी नहीं ऐसा हुआ। आपने अभी देखा
कितने दिनों से, कितने महीनों से हमारे जम्मू के डोगरा इकट्ठे हो गए। कई पार्टियां, कई ये तो कह रहे शेम फॉर डोगरा बोलते हैं, लानत है ऐसे लोगों को। मैं कहना चाहूँगा इन पोलिटिकल चंद पार्टियों को जो हालत की। इसलिए मैं आपको कहूँगा हमें जम्मू के डोगरों का फिक्र है, हम सबको, सारे डोगरा इकट्ठे हो रहे हैं बगैर किसी जात बरादरी के, बगैर बड़े और छोटे से। हमने अपनी सारी जितनी भी छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं वो सारी खत्म करके एज ए डोगरा वी आर यूनाइटेड। और जम्मू जो हमारे साथ असेशन के बाद हाल हुआ है, उसके जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इम्तियाज हुआ है हर लिहाज पे, चाहे किसी भी सफेर में ले जाओ, पब्लिक सर्व कमीशन का जो हाल है, यू नो बेटर कि पब्लिक सर्व कमीशन हमारे बच्चों के साथ जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है जम्मू से, जो जम्मू का यूथ हराश हुआ है और जितनी बुरी हालत हुई है। हमने कहा कि अब पब्लिक सर्व कमीशन दो होंगे, एक जम्मू का होगा और एक पब्लिक सर्व कमीशन कश्मीर का होगा। हाँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, किसी को कुछ भी पता नहीं है। जितने भी लोग अपने मुंह से शखुबे छोड़ते हैं, मुझे बताओ, मैंने एक फार्मूला इनको दिया जिससे सारा इनका काम क्लियर है ना, तो टफ क्वेश्चन दिया, इजी दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे जो सॉर्टेड हो सकता है, दिस इज वेरी क्लियर, यू नो बेटर कि हमारे जो आजाद कश्मीर में जो हमारा इलाका चला गया, उसकी 24 सीट्स जो ब्लॉक करके रखी हैं असेंबली में, और उसके जो बंदे यहाँ आए हैं और जिसमें सिख हैं और हिंदू हैं, जो लोग यहाँ आए हुए हैं पुंछी मीरपुरी मुजफ्फराबादी, और जो वहाँ रह गए उनकी 24 सीट्स की कर दी गई हैं। हमने कहा है 24 सीट्स के जो लोग यहाँ आए हुए हैं उनकी 6 सीट्स बनती हैं, उनको 6 सीट दे दीजिए, हम नहीं मांग रहे जम्मू के बाकी लोग, दिस इज वेरी क्लियर। और इसके सुन लें दोनों, इसके साथ अभी कश्मीरी पंडित आए हैं, 2 सीट उनकी थी, वो भी कश्मीरी मुस्लिम इस्तेमाल कर रहा है, वो 2 सीट कश्मीरी पंडितों को मिले, और कितनी बन गई आपकी, 6 और 2 8 37 8 कितनी बनी, 45 सीट हमारी वैसे बनती हैं, डिलिमिटेशन तो अभी हुई नहीं। और एक जो डर के मारे कश्मीरी मुस्लिम यहाँ डर के मारे आया हुआ है, जो इनसिक्योरिटी फील करके इनसिक्योर होके कश्मीर से भगाया और भाग के आया है, जो बटिंडी और सुंजवा में बैठा हुआ है, हम कह रहे हैं गिनती करो कितने हैं ये लोग, वो लोग भी 1 सीट के लोग हैं, उनको भी सीट दो, अगर यहाँ रहना है तो सीट दो, 46 यहाँ की होंगी, 43 कश्मीर की होंगी। और नंबर दूसरा, रोटेशनल चीफ मिनिस्टर, वी आर डिमांडिंग रोटेशनल चीफ मिनिस्टर, उसका टर्म फुल टर्म जम्मू में होगा एक टर्म, और एक टर्म फुल कश्मीर में हो, और पहला टर्म जम्मू में हो, और क्योंकि 70 साल से ये बैठे, और कॉन्स्टिट्यूशनली हो, एक डिप्टी सीएम वहाँ हो और एक डिप्टी सीएम वहाँ हो। इनको 35 और 370 लगा बातें करके ना जम्मू को अननेसेसरी कन्फ्यूजन करे। मैं कह रहा हूँ हमारी बच्ची है, सुने, 26 सुबह शहीद हुए थे जब हिंदुस्तान की मिलिट्री और आर्मी को अतला दे दी गई थी, और जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री जो फौजें थी महाराजा की सिर्फ 12 बटालियन थी, और तकरीबन हमारे जवान सभी जिसमें मेजॉरिटी डोगरा सोल्जर्स की थी, वो शहीद हो गए थे, और वो दुश्मन को रोक रहे थे जो पाकिस्तान के रास्ते, जिसमें पाकिस्तान की सपोर्ट से वो बारामुला के स्कर्ट पे शोपियां से आते हुए घुस गए थे और आ रहे थे। उधर कोई कहता है 100 के करीब सिपाही थे, कोई 200, जो भी हो, चंद नौजवान सिपाहियों की को लेकर ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जिन्हें वहाँ मोर्चा बना दिया शोपियां के साथ, शोपियां और बारामुला के बगल में, कि बारामुल्ला की सिटी में इनको घुसने नहीं देंगे। उनका प्लान था कि बारामुल्ला में घुस के फिर सीधा श्रीनगर पहुंच जाते। तो ये ब्रिगेडियर गंसारा सिंह जी की कुर्बानी थी, उन्हें मालूम था कि अंत क्या होगा। दूसरी तरफ महाराजा हरि सिंह बार बार कह रहे थे
भारत सरकार को, भारत सरकार नेहरू जी थे और लॉर्ड माउंट बैटन से उनकी वाकफी थी, दोस्ती भी थी महाराजा हरि सिंह की कि हमें यहाँ की फौजें दे दो। महाराजा हरि सिंह ने शर्त रखी, महाराजा हरि सिंह से शर्त रखी नेहरू जी ने कि जब तक विलय नहीं करोगे हिंदुस्तान तुम्हें फौजें नहीं भेज सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में एक आर्टिकल है 51 के तहत कोई अगर एक राजा या एक सरकार दूसरी सरकार से फौजी मदद चाहती है, मांगती है, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक उसे वो मदद वो दे सकता है। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा कि मुझे आप हमें स्टेट मुझे मदद दे दीजिए। नेहरू जी ने कहा नहीं, जब तक शामिल नहीं होंगे, ये 25 तारीख की बात है, इधर से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अकेले खड़े थे बॉर्डर पर, रुके हुए थे, ये कार्रवाई महाराजा हरि सिंह को भी पता था, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नेहरू जी को पता था कि एक जवान डोगरा ऑफिसर यानी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह खड़ा है मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ। तो 26 तारीख को महाराजा हरि सिंह बाई रोड आते हैं जम्मू में, क्योंकि हिंदुस्तान के जो सेक्रेटरी जितने साइन करने थे उन्हें कहा कश्मीर नहीं आ सकते हम, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के पूरे अटैक के क्लाउड में था और पाकिस्तान के सपोर्टर या उनके तरफ से भेजे गए सिपाही जो थे वो हमलावर जो थे वो यहाँ पहुँच गए थे बारामूला के बॉर्डर पर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट के किनारे पर। तो महाराजा हरि सिंह गाड़ी से पहुँचते हैं जम्मू और 26 तारीख को विलय पत्र पे दस्तखत किए और वहाँ से वीएस मेनन वो पत्र जो था जिसमें दस्तखत किए थे उसको लेके जाए थे जाते हैं दिल्ली और 27 को दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन उस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करते हैं और एक्सेशन जो है यहाँ से ऑफर हुआ, वहाँ से कबूल हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर को अगर ब्रिगेडियर गंसर सिंह ना होते नहीं बचा सकते तो आज की तारीख जम्मू कश्मीर की कुछ और ही होती। इसलिए ब्रिगेडियर गंसर सिंह एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे जिन्होंने कुर्बानी दे दी इस देश के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि इस देश में महाराजा हरि सिंह के बाद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उस तरीके से, उस तर्ज से उनका सम्मान नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। हाँ, खुशी की बात है कि कुछ लोग तो करते हैं। युवाओं को क्या मैसेज रहता है? युवाओं को आजकल मैसेज जो है वो बहुत गलत जा रहे हैं। आज युवाओं सिर्फ मोबाइल टेलीफोन पकड़े हुए कान में लगे हुए हैं। मैसेज ये जाना चाहिए कि देश सबसे महान है और देश की रक्षा के लिए इतना कीजिए जितना हमारे इस ब्रिगेडियर गंसार सिंह और कई पहले शूरवीरों ने कुर्बानी दी देश की रक्षा के लिए। उनको उस तरह चलना चाहिए, सिर्फ टेलीफोन या ये पानी की डुबकियाँ जो कहते हैं उनसे कंट्रीब्यूशन नहीं होती, देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। देखिए, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वो सपूत हैं जम्मू कश्मीर के और डोगर लैंड के, कि जिन्होंने रियासत की हिफाजत के लिए और अपनी जान की कुर्बानी दे करके जम्मू कश्मीर के आवाम को और जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को बचाया। 4 दिन तक उन्होंने कवायली हमला, उड़ी के पास जो है वो सिर्फ महज 100 आदमी की फ़ौज लेकर के
और उन्होंने ड्यूटी अनटू डेथ निभाई और आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक उन्होंने देश की रक्षा की। और जम्मू कश्मीर में अगर उनकी शहादत ना हुई थी, चार दिन तक उन्होंने ना रोका होता, तो आज शायद जम्मू कश्मीर का नक्शा कुछ अलग होता और पाकिस्तान के कब्ज़े, नाजायज़ कब्ज़े में होता। और जब तक भारत की फ़ौज श्रीनगर में लैंड करती और इसको कंट्रोल करती, तब तक ब्रिगेडियर जिंदर सिंह ही एकमात्र जनरल थे जिन्होंने उस फौज को रोक सका और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को बचाया। इसलिए हम ब्रिगेडियर साहब को सल्यूट करते हैं, उनकी शहादत जो है वो हमेशा तक याद रखी जाएगी और जम्मू कश्मीर के इतिहास के साथ, इस देश के इतिहास के साथ ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को? युवाओं को मातृभूमि की रक्षा और मातृभूमि की सेवा का मैसेज मिलता है कि जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने अपनी मातृभूमि की और अपने देशवासियों की रक्षा के लिए जान तक न्यौछावर कर दिए और मातृभूमि के प्रेम के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। हमें देश के साथ प्रेम होना चाहिए, मातृभूमि के साथ प्रेम होना चाहिए, अपने जो फेलो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के वासी हैं, उन सबके साथ प्रेम होना चाहिए और इस प्रेम और स्नेह से रहना चाहिए कि हमारे देश की आज़ादी, एकता और अखंडता को जो भी खतरे पैदा हों, जिससे इस देश की एकता और अखंडता कमज़ोर होती हो, जिससे इस देश पे खतरे बन जाते हों, जिस कदम से हमारा देश कमज़ोर होता हो, उससे हमें दूर रहना चाहिए और हमें वो कमियाँ, वो खामियाँ दूर करनी चाहिए। और सबसे बड़ी हमारी एकता की बात यह है कि हम उस सिद्धांत पे विश्वास करें कि यहाँ अनेकता में एकता का जो असूल है कि जब तक हम अनेक होकर के भी एक हैं, तब तक हमारा देश जो है वो एक रहेगा। और हमारे जो वीर जवान ब्रिगेडियर जिंदर सिंह जी जैसे जो शूरवीर हैं, जिन्होंने जिस चीज़ के लिए अपनी कुर्बानी और शहादत दी, उनको हम तभी सही सल्यूट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, उस कुर्बानी को हमारा अच्छा नमन हो सकता है कि जब हम उनकी इस रूह को, उसकी उस सोच को ज़िंदा रखें कि उन्होंने जिस मातृभूमि के लिए, जिस देश की आज़ादी और एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी, उसको हम मजबूत रखें। हमारा जो 72वां एक्सेशन डे आप देख रहे हैं, महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के साथ हम यहाँ मनाने आए हैं, क्योंकि आज के दिन हमारे जो उस टाइम महाराजा थे हरि सिंह जी, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हिंदुस्तान के उस टाइम गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन जी थे उनको भेज दिया था। और आज का दिन एक बहुत पवित्र और पवन दिन है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए कि उस दिन हमारा जो स्टेट है वो हिंदुस्तान के साथ एकजुट होके खड़ा हो गया। मैं आज गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि वो एक डिक्लेरेशन दे दें कि 26 अक्टूबर को स्टेट हॉलिडे करें और इस दिन हर इंस्टीट्यूशन में, हर स्कूल के अंदर इस दिन को मनाया जाए, ताकि बच्चों को और आने वाले हमारी जनरेशन को पता लगे कि ये दिन कितना पवित्र है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। मैं साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी यही कहूँगा कि वो भी इस दिन को धूमधाम से मनाए, ताकि सारे मुल्क में पता लगे कि 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का एक्सेशन जो है वो हिंदुस्तान के साथ हुआ और वो एक फाइनल एक्सेशन है। उसमें कोई दो बातें, दो राय नहीं है कि ये पार्शियल है या नहीं, ये एक फुल एंड फाइनल एक्सेशन था। और वो जब तक हम इसको मनाएंगे ना इस दिन को, तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा। मैं प्रवीण कुमार शर्मा प्रेसिडेंट हूँ पब्लिक ओपिनियन फोरम का। ये एक सोशल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां हम जितने भी स्टेट से रिलेटेड या नेशनल लेवल के जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी, कर्नल माधव सिंह जामवाल जी, सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज विलय दिवस है? सब आज जो हम लोग कर रहे हैं, मैं हम कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसमें शामिल हूँ, उससे मुझे इतना फ़ख्र है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये चीज़ 1947 में हुई थी हरकत विलय, तो 48-49 में तो महाराजा साहब को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो कुछ भी कर सकते, लेकिन जब 49 में उनको यहाँ से निकाल दिया गया
तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, ना इंडिया गवर्नमेंट ना कश्मीर गवर्नमेंट को इसकी कोई फिक्र नहीं, और आज भी उनको फिक्र नहीं है। ये आप लोगों को फिक्र हुई है इसकी मुझे खुशी है। आप क्या कहना चाहेंगे, कहीं कमी पेशी कहीं रह गई? कमी हुकूमत करने वालों में है, जहाँ पे जो नीचे पब्लिक है, पब्लिक तो इसके हक में है। जो आज हम बोल रहे हैं कि ये आज का दिन भी छुट्टी का होना चाहिए, महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन भी छुट्टी का होना चाहिए, क्योंकि ये देन उनकी है। ताज़ा खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।